नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पंजाब में आतंकवादी हमला, एसपी बलजीत सिंह समेत 9 लोगों की मौत। पंजाब में गुरदासपुर के दीनापुर पुलिस थाने पर हुए आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पंजाब पुलिस के एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह भी शामिल हैं। सेना और पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। घटना स्थल पाकिस्तान सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस हमले पर मंगलवार को संसद में बयान देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए केवल बातों से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस कार्रवाई करनी होगी। छेड़छाड़ के खिलाफ महापंचायत करने जा रही साध्वी प्राची गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में महापंचायत करने जा रही विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि शेरगढ़ क्षेत्र के पहाड़पुर से प्राची के काफिले को पुलिस ने रोका और विहिप नेता को हिरासत में ले लिया। साध्वी ने बरेली में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ एक महापंचायत का ऐलान किया था, जबकि जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। प्राची के साथ कई अन्य साधु संतों को भी हिरासत में लिया गया है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री, कहा आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि सीमा पर तनाव और पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ को कम करने के मामले में नरेंद्र मोदी अपने एक साल से ज्यादा के कार्यकाल में सबसे असफल प्रधानमंत्री साबित हुए। आपके प्रवक्ता तथा पार्टी मामलों के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि पिछले एक साल में पाकिस्तान ने 52 बार तथा चीन ने 38 बार सीमा का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी अपने जिस 56 इंच के सीने की बात करते थे, लगता है कि अब वह खुद ब खुद कम हो गया है। अफगानिस्तान में विवाह समारोह में गोलीबारी, 21 लोगों की मौत। उत्तर अफगानिस्तान में आयोजित विवाह समारोह में गोलीबारी में 21 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। बगलान प्रांत के गवर्नर जावेद बशारत ने कहा कि रविवार देर रात अंदराव जिले में आयोजित एक विवाह समारोह में शिरकत कर रहे 2 समूहों के बीच गोलीबारी हुई तथा मरने वालों में अधिकतर विवाह समारोह के मेहमान थे और उनकी उम्र 14 से 60 साल के बीच थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।